जब जब देश में यूनिफॉर्म शील्ड कोड एंड पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे बात होती है, तब तक मुस्लिम मैरिड लॉ में चार शादियों की आज़ादी पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, हिंदूज में एक टाइम पे एक से ज्यादा शादियां करना बैन होने के बाद भी देश के कई एरियाज में हिंदूज एक टाइम पे एक से ज्यादा वाइफ्स के साथ रहते हैं। दरअसल सोलापुर के अकलूजन इलाके में एक युवक ने एक ही मंडप में मुंबई की दो जुड़वा बहनों से शादी कर ली है। एक मेल एक टाइम पे एक से ज्यादा फीमेल्स के साथ शादी करता है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी पहले के जमाने में बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी। हिस्ट्री में हम बहुत से राजा महाराजाओं की कहानी सुनते हैं जिसमें राजाओं की एक से ज्यादा वाइफ होने का जिक्र होता है। लेकिन समय के साथ पॉलीगैमी बहुत कम हो गई और हिंदू मैरिज लॉ आने के बाद हिंदूज के लिए पॉलीगैमी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। परंतु मुस्लिम मैरिज लॉ के अंदर आज भी पॉलीगैमी अलाउड है। नेशनल फीमेल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग पॉलीगैमी के केसेस क्रिश्चियन कम्युनिटी में 2.1%, मुस्लिम कम्युनिटी में 1.9% एंड हिंदू कम्युनिटी में 1.3% देखे गए हैं। लेकिन हिंदू कम्युनिटी में पॉलीगैमी प्रैक्टिस ट्राइबल एरियाज में होती है जहां हिंदू मैरिज लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता। लेकिन रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने पॉलीगैमी प्रैक्टिस को असम में पूरी तरीके से बैन करने की बात कही थी। फरवरी महीना में असम असेंबली कानून पास कर लेगा कि असम में पॉलीगैमी बंद हो जाएगा। एक पुरुष को एक ही विवाह करना पड़ेगा, लीगल डाइवोर्स जब तक नहीं होते। असम गवर्नमेंट का कहना था कि पॉलीगैमी प्रैक्टिस पूरी तरीके से बैन करने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने उनका बहुत बड़े लेवल पर साथ दिया है। पब्लिक कंसल्टेशन हो गया, मुसलमान समाज से बहुत सपोर्ट मुझको मिला है। सपोर्ट मिल रहा है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है मुसलमान माता और बहनों से। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में एक रिलीजियस प्रैक्टिस होने के बाद भी मुस्लिम महिलाएं पॉलीगैमी को पूरी तरीके से बैन करना चाहती हैं? असल में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने दिसंबर 2022 में एक सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें 300 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं से बहुत से सवाल पूछे गए थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 84% महिलाओं ने पॉलीगैमी को बैन करने की मांग की थी। इसी तरह 289 अलग अलग क्वेश्चंस देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम महिलाओं से एक अलग सर्वे में पूछे गए थे। सर्वे के बाद रिसर्चर्स को पता लगा कि पॉलीगैमी रिलेशनशिप में फर्स्ट वाइफ अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रहती हैं और कई केसेस में फर्स्ट वाइफ अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती हैं। पॉलीगैमी रिलेशनशिप में फर्स्ट वाइफ फाइनेंशियली इतनी कमजोर होती है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड एंड सेकंड वाइफ की प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है। पॉलीगैमी की वजह से वुमेन्स को बहुत से मेंटल इश्यूज का सामना करना पड़ता है और एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी के कारण वुमेन्स अपने लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट भी डिमांड नहीं कर पाती। पॉलीगैमी के ऊपर असम गवर्नमेंट के फैसले के बाद करंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च किया जिसके अंदर पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। असम एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीडर्स का कहना है पॉलीगैमी मुस्लिम्स का रिलीजियस राइट है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि इस्लाम में पॉलीगैमी कोई इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है और गवर्नमेंट के द्वारा नंबर ऑफ वाइव्स पर लिमिट लगा देने से रिलीजियस प्रैक्टिस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलीगैमी में मुस्लिम्स के केस तो हमेशा चर्चा में रहते हैं लेकिन कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें हिंदूज भी शामिल हैं। पॉलीगैमी हिंदूज के लिए पूरी तरीके से बैन होने के बाद भी हिंदूज पॉलीगैमी रिलेशनशिप में रह पाते हैं क्योंकि इन केसेस में फर्स्ट वाइफ हस्बैंड एंड सेकंड वाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और फैमिली कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों वाइफ्स को एक हस्बैंड के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसे ही ग्वालियर में एक केस सामने आया था जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट वाइफ होने के बाद भी कोरोना पैंडेमिक में अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है। फर्स्ट वाइफ को इसकी इन्फॉर्मेशन तब मिली जब वो पैंडेमिक के बाद अपने घर वापस गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि फर्स्ट वाइफ ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में अपने हस्बैंड एंड सेकंड वाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और इन तीनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें हस्बैंड को अपनी 1.5 लाख की सैलरी, अपने 2 फ्लैट और यहाँ तक कि अपने लाइफ का टाइम को भी इन दोनों वाइफ के बीच बराबर बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक वीक में हस्बैंड को 3 दिन के लिए अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ रहना होगा और अगले 3 दिन के लिए अपनी सेकंड वाइफ के साथ। पॉलीगैमी भले ही कुछ केसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे लेकिन मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट वाइफ को बहुत सी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती है। भारत आज 2024 में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज जैसे सोशल इश्यूज पर कानून बनाने की सोच रहा है। वहीं कई ऐसे कंट्रीज हैं जो पॉलीगैमी को अपने देश में कई साल पहले ही बैन कर चुके हैं, जैसे इरिट्रिया में 1977 में पॉलीगैमी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, टर्की में 1926, ताइवान 1930, इजराइल 1959, चाइना 1920 और यूनाइटेड स्टेट्स में भी पॉलीगैमी पूरी तरीके से बैन है। पॉलीगैमी के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद, इतने सारे कंट्रीज में पॉलीगैमी बैन होने के बाद हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसे कंटेंट से जो पॉलीगैमी को पब्लिक के सामने नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको यूट्यूब में बहुत से इंडियन चैनल भी मिल जाएंगे जो ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक टाइम पे एक से ज्यादा वाइफ के साथ रहना बहुत नॉर्मल और बहुत कूल है। जहां भारत दुनिया के विकसित देशों से हर मुकाम पर अपनी तुलना करता है, वहीं भारत इंटरनली पॉलीगैमी को पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाया है। आप मुझे बताइए कि क्या पॉलीगैमी देश में पूरी तरीके से बैन होना चाहिए और क्या सारे धर्मों को एक समान देखने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देश में लागू कर देना चाहिए?
चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। इसके साथ साथ और भी ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।